आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, प्रश्न है विराम चिन्ह लगाने से क्या होता है, हमें बताना है। ऑप्शन है भाषा में सुंदरता आती है, भाषा में स्पष्टता आती है, भाषा के भाव को समझाने में सरलता रहती है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो विराम चिन्ह वाक्य लिखते समय विराम का प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम विराम को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। क्या होता है इसका अर्थ? रुकना या ठहरना। क्या होता है? रुकना या ठहरना, रुकना या ठहरना। अर्थात वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है जिससे स्पष्ट है अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? उससे अर्थपूर्ण एवं भावपूर्ण हो जाता है। इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो इससे हमारा विराम चिन्ह से भाषा में सुंदरता आती है, भाषा में स्पष्टता आती है, भाषा के भाव को समझाने में सरलता होती है और उपयुक्त सभी। तो हमारा क्या होगा? तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है वो हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है वो हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।